नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण बाली, मैं आज फिर आपके सामने आया हूं केजरीवाल जी की दोहरी नीति को लेकर। केजरीवाल जी, पंजाब के चुनावों में आप नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली को फिर आप क्यों नशा युक्त बना रहे हैं? दिल्ली वालों के साथ ये धोखा क्यों? केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने इस नई आबकारी नीति के तहत ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। ठेकेदारों की कमीशन 12% बढ़ाने के बदले में केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार और घोटाला किया है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी इन ठेकेदारों के साथ साझेदार है। इस नई आबकारी नीति से पहले दिल्ली में शराब की दुकानें लगभग 260 थी, लेकिन आज हर गली हर मोहल्ले में लगभग 849 शराब के ठेके नए खोले जा रहे हैं। केजरीवाल जी, चुनाव में आने से पहले आप कहते थे कि जिस मोहल्ले में महिलाएं मना करेंगी, RWA मना करेगी, वहां एक भी ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन आज आप अपनी जेब भरने के लिए हर गली हर मोहल्ले में ठेके खोलने जा रहे हैं। एक महिला ने बताया, पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जी, आपने अपनी पुस्तक स्वराज में लिखा है कि रिहायशी क्षेत्रों में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। केजरीवाल जी, आपकी नई आबकारी नीति से पहले 80 वार्डों में एक भी शराब की दुकान नहीं थी, लेकिन अब आपकी नई आबकारी नीति जो आई है उसमें हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा आपने रेस्टोरेंट, होटल, बैंकेट हॉल, हवाई अड्डे, मॉल, क्लब, ऐसे अनेक स्थानों में शराब को बेचने की इजाजत दे दी है। इस तरह दिल्ली में तकरीबन शराब बिक्री के स्थान 4000 के आसपास हो जाएंगे। इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही, ना जाने कितने घर बर्बाद होंगे। इसके साथ ही दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने नशे में डुबोने का काम भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल जी, आप इस आबकारी नीति को खत्म करें, नई नीति को खत्म करें, और ये जो ठेके हर वार्ड में खुल रहे हैं इनको बंद करें।